भारत के लोग जो दूसरे स्टेट के हैं, जो गोवा में काम कर रहे हैं, अब कोरोना वायरस के कारण जो अपने घर जाना चाहते हैं, उनको गोवा गवर्नमेंट की तरफ से एक यात्रा परमिट लेना पड़ेगा। यात्रा परमिट को अप्लाई करने के लिए टाइप कीजिए www.goaonline.gov.in। ये प्रोसेस आप मोबाइल से भी कर सकते हैं और एंटर मारे। पहले आपको वेबसाइट पर रजिस्टर होना पड़ेगा। अब रजिस्टर बटन पे क्लिक कीजिए। रजिस्टर करने के लिए आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा और गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिए। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी एंटर करने का और सबमिट ओटीपी पर क्लिक करें। अब आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, बर्थ डेट एंटर कीजिए, आपका कैलेंडर चूज करिए और बर्थ डेट आपका सिलेक्ट कीजिए। अब आपका जेंडर चूज करें, पुरुष महिला। अब आपको आधार कार्ड नंबर एंटर करना पड़ेगा आपका। कंट्री सिलेक्ट कीजिए, इंडिया। अब आपको स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप कौन से स्टेट से हैं वो सिलेक्ट कीजिए। अब पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा आपके स्टेट का। आई अग्री बटन पे क्लिक कीजिए। अब आपको लॉगिन नेम एंटर करना पड़ेगा, लॉगिन नेम पर आपका मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। अब पासवर्ड चूज करना पड़ेगा, पासवर्ड चूज करने के लिए बड़ा अल्फाबेट, छोटा अल्फाबेट, सिंबल और नंबर यूज करने का और पासवर्ड स्ट्रांग चूज करने का। फिर से पासवर्ड एंटर कीजिए, आई एग्री बटन पर क्लिक कीजिए। ब्रैकेट में कैप्चर कोड होगा वो एंटर करने का और रजिस्टर बटन पे क्लिक करें। अब आप वेबसाइट पे रजिस्टर हो जाएंगे। अब क्लिक लॉगिन पे क्लिक कीजिए। यूजर नेम पर आपका मोबाइल एंटर कीजिए, पासवर्ड एंटर कीजिए, कैप्चर कोड एंटर कीजिए और लॉगिन कीजिए। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए और आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हो। अब आपको सर्विस बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, ऑल सर्विस बटन पर क्लिक कीजिए। अब रेवेन्यू ऑप्शन पर रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन गोवन वॉन्टिंग टू रिटर्न टू नेटिव स्टेट पर क्लिक कीजिए, पहला ऑप्शन। प्रोसीड टू रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। अब आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, अब पिता का नाम लिखना पड़ेगा नहीं तो आपके हस्बैंड का नाम लिखना पड़ेगा, मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा, ईमेल आईडी। अब आप गोवा में कौन सा काम करते हैं वो चूज करना पड़ेगा। अगर आप गोवा में होटल या मजदूर का काम करते हैं तो लास्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो अनएम्प्लॉयड चूज करना पड़ेगा। अब आपको डेट एंटर करना पड़ेगा, गोवा में आप कब आए थे वो डेट एंटर करना पड़ेगा। अब गोवा आने का कारण लिखना पड़ेगा, अगर आप जॉब के लिए आए थे फॉर एम्प्लॉयमेंट लिखे। अब आपको गोवा से अपने गांव जाने का कारण चूज करना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, लॉकडाउन के कारण, वो सिलेक्ट कीजिए। अब आपको स्टेट या राज्य सिलेक्ट करने का, जैसे कि मैं सिलेक्ट करता हूँ बिहार। अब आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब आपको अपने घर का पूरा एड्रेस यहाँ लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि आपके पास खुद की गाड़ी है गांव जाने के लिए या नहीं। अगर है तो ओन ट्रांसपोर्ट अवेलेबल चूज कीजिए, अगर नहीं है तो नॉट अवेलेबल चूज कीजिए। अगर आपके पास गाड़ी है तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, अगर नहीं है थोड़ा टाइम लगेगा और आपको सफ़र का थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। अब आपको गोवा से अपने गांव जाने की तारीख चूज करनी पड़ेगी। अब ऐड बटन पे क्लिक कीजिए। अब आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, एज एंटर करना पड़ेगा। अब एप्लीकेंट चूज कीजिए। अब आपका जेंडर चूज कीजिए। अब आप गोवा में कहाँ काम करते हैं वहाँ का पूरा एड्रेस यहाँ लिखिए, उस जिले का नाम सिलेक्ट कीजिए और सेव बटन पे क्लिक कीजिए। ओके पे क्लिक कीजिए। अब प्रोसीड टू डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक कीजिए, एस पे क्लिक कीजिए। यहाँ आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट टाइप आइडेंटिटी प्रूफ सिलेक्ट कीजिए। आधार कार्ड अपलोड करने के लिए आपको आधार कार्ड स्कैन करना पड़ेगा। प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं टैप स्कैनर, उससे आप आधार कार्ड स्कैन कर सकते हैं और यहाँ अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक कीजिए और डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कीजिए और अपलोड बटन पे क्लिक कीजिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा और अपलोड बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा।
अभी आई एग्री पे क्लिक कीजिए और सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा। अब आपका यात्रा पत्र तैयार होने के बाद आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद आपको फिर से वेबसाइट पर लॉगिन होना पड़ेगा और वो पत्र डाउनलोड करना पड़ेगा। आपका आधार कार्ड स्कैन करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा और टाइप करना पड़ेगा टैप स्कैनर। अब वो ऐप आप मोबाइल पे डाउनलोड करना पड़ेगा। वो ऐप आपको ओपन करना पड़ेगा। अब आपको कैमरा ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको आधार कार्ड सामने रखना पड़ेगा और कैमरा ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब आपका आधार कार्ड एडजस्ट कीजिए आपकी मर्जी से और राइट बटन पे क्लिक कीजिए। फिर से राइट बटन पे क्लिक कीजिए। अब ऊपर एरो बटन है उस पे क्लिक कीजिए। अब आपको इमेज सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेव बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब आपका स्कैन कॉपी मोबाइल पे सेव होगा। ये सेव कॉपी आपको अपलोड करना पड़ेगा।